नॉक नॉक शो। वालेकुम माय नॉक नॉक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आपका भाई आजकल बहुत जेलस चल रहा है। जेलस इसलिए चल रहा है कि आजकल के बच्चों का सुकून, चैन, आराम तो चेक करें। और एक हमारा बचपन था, 6 बजे सुबह खिड़कियां खुल जाएंगी, पंखे बंद हो जाएंगे, रजाइयां खिंच जाएंगी ऐसे कि जैसे कि मांगे में हों। रजाई नहीं, बच्चे यानी कि हम। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह 12 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं नवाब के बच्चे, उनके सामने नाश्ता रखा जा रहा है, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, बेटा क्या खाओगे। हमारे यहाँ बचपन में खाना बनता था, टेबल पे लग जाता था, किचन में जाली वाली में रखा होता था, खाना है खाओ वरना बेटा भूखे रहो। लेकिन भाई आजकल के बच्चों की आँख नहीं खुलती सुबह जब तक टेलीविज़न मॉर्निंग शो की आवाज़ कान में ना आ जाए। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं उन दोनों से पूछते हैं ना इन सारी बातों के बारे में। दोनों कमाल की होस्ट हैं, दोनों कमाल की एक्ट्रेस हैं, और आप उनको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक को देख चुके हैं और एक को देखते रहे हैं। नॉक नॉक शाइस्ता लोधी एंड निधि यासी। भाई वाह, ऐसा लग रहा है नाइट नहीं मॉर्निंग शो है। क्या एनर्जी है यार, क्या बात। देखें जब ये लोग आ जाएंगे इन सीट्स पे तो हमें तो ऐसे ही टक्कर मिलेगी भाई। चलो मैं और तुम चलते हैं। नहीं नहीं, कसम खा रहा हूँ आज भी मैं गैस फील कर रहा हूँ। भाई ये हमसे भी पुराने हैं, आपको नहीं पता। बहुत पुराने, मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ। ये बचपन में ही आ गए थे इस फील्ड में। और हमसे पुराने होस्ट हैं शाइस्ता। याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तशरीफ रखे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। जितने भी शोज मैंने किए अब तक उसमें किसी को वेलकम पे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिली। अल्लाह कसम से आप लोगों को मिली। और ये प्यार है लोगों का ऑडियंस में, खवातीन है ना ज्यादातर। हम अपने अपने से लगते हैं ना आपको। हाँ, रोज आते हैं ना तो वो दुनिया का हर मॉर्निंग शो खबरनामे के अलावा सारे मॉर्निंग शो बंद हो गए, आपका माशाल्लाह चले जा रहे हैं, क्या वजह है? पता नहीं यार, समझाएं क्या साइंस है ये। मुझे और कुछ नहीं आता ना तो बस अल्लाह ने मुझ पे तरस खा लिया है कि बेटा यही करो तुम। क्यों नहीं आता? ये डॉक्टर है, इनका मॉर्निंग शो बंद हुआ तो इन्होंने क्लिनिक्स खोल ली, एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह तीन तीन। मुझे मैं तो क्या करूँ, मुझे तो पता। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो वही है, जब तक अल्लाह ने लिखा हुआ है, जब तक रोजी है, जब तक ये पसंद कर रहे हैं तब तक दुकान खुली हुई है। भाई इतना अच्छा खूबसूरत इस्तकबाल हुआ आपका, मैं भूल ही गया आप लोगों को कहना माशाल्लाह दोनों लुकिंग ग्रेट ब्यूटीफुल। वो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है। नहीं नहीं, आप उल्टा मुझे ना बताना। इतनी आसान नहीं, इतनी आसानी नहीं हो रही है। मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा पक्का वाला गेस्ट हूँ, फिक्र ना करें। मुझे भी निकलना आता है। नहीं नहीं रियली, तो आपस में क्या कोऑर्डिनेशन, कलर कोऑर्डिनेशन हमारी तो वैसे हमेशा जब हम शो पे जाते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, क्या पहन रही हो, वेस्टर्न पहन रही हो, ईस्टर्न पहन रही हो, क्या पहन रही हो, कलर क्या है। इस दफा तो हमने बात भी नहीं की, बातें नहीं की। और मैं आई तो मैंने कहा निधा व्हाइट में। हम लोग कलर पैलेट में ही है। हाँ वैसे एक ही कलर पैलेट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं मैंने सेट वगैरह आप लोगों का देख लिया। ये बात होती है, ये बात होती है नॉक नॉक शो की। अच्छा जी, होस्टिंग, एक्टिंग, मॉर्निंग शो, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, प्रोडक्शन, सो क्या रह गया? बहुत कुछ रह गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है। और क्या? तो मिसाल के तौर मतलब लाइक और बहुत कुछ हो सकता है। शाइस्ता बताओ जरा और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं? मैं जहाज उड़ाना, मुझे जहाज उड़ाने का बहुत शौक है, पहली दफा बता रही हूँ। वाह, कोर्स कर सकती हो तुम? हाँ मैं मतलब अगर मेरी आंखें कमजोर हैं कहीं और ही ले जाऊंगी जहाज को। कुछ मतलब लाइक जो ख्वाब है वो तो ख्वाब है ना भाई, कुछ भी ख्वाब हो सकता है। शाइस्ता क्या रह गया? मैंने और पढ़ना है। वाओ अच्छा, और पढ़ाना भी है। अरे बाप रे, इंशाल्लाह। हाँ तो मेरा बड़ा एक ड्रीम है कि मैं
अभी भी ट्रेनिंग्स तो कराती हूँ डॉक्टर्स को, जूनियर्स को, लेकिन मेरा है ख्वाब कि मैं पढ़ाऊँ। तो ये साहिर ने इंस्पायर किया, वो भी पीएचडी कर रहे हैं सुना मैंने। जी वो भी पीएचडी कर रहे हैं। नहीं वो अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स है उनका सब्जेक्ट। लेकिन वैसे एक तासुर है ना कि बेटा इस उम्र के बाद कद नहीं बढ़ता और इस उम्र के बाद आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, उसके बाद तो आप पढ़ ही नहीं सकते, ये बात सच है? नहीं नहीं, पढ़ाई की तो कोई उम्र ही नहीं है। अब क्या नहीं होना चाहिए लाइफ में। लेकिन भाई मुझसे सच्ची बात है, अब फोन नंबर ये सब सारी चीजें याद नहीं होती, ठीक है उम्र का तकाजा भी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं, हमें तो रटे हुए होते थे फोन नंबर। सो क्या हम थोड़े से काहिल होते जा रहे हैं या पढ़ाई का तरीका फर्क हो गया है? हमने आदत बदल ली ना, हमारे सॉफ्टवेयर में इतनी ऑलरेडी चीजें आ गई हैं, डेटा बहुत है, तो डेटा इतना सारा बन गया है, तो इट्स ओके। शायद पहले अगर आपकी कैपेसिटी 100 लव्स पहले थे और अब आप दिन के 50 लव्स नए सीख सकते हैं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। इवन एक आदत भी तो है ना यार, आदत थी पहले नंबर रटने की, अम्मी का, अब्बा का, खाला का, फुप्पो का, सबके नंबर रटे होते थे, डायरी होती थी उसमें लिखते थे। अब मोबाइल में यासर का नंबर क्या है? सबको बता दूं, सही पता चल गया तो क्या होगा? चलो सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें याद है। याद है, अच्छा मुझे यासिर का याद है, मुझे अपने अब्बू का याद है, बहनों का याद नहीं है, बच्चों का याद नहीं है। अल्लाह की कसम मैं गैस्ट्रिक फील कर रहा हूँ। दोनों माशाल्लाह मदर्स हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अम्मी घर से जा रही है या अम्मी घर से चली गई या अम्मी घर से आ रही, क्या ज़्यादा फैसिनेट करता है, बच्चे मिस करते रहे। मेरे वाले तो कहते हैं अम्मी घर से चली गई, नहीं ये वाले हैं मेरे। मैं तो हर वक्त बच्चों के सामने ही नजर आती हूँ, जब वो स्कूल से घर आते थे तो 2 बजे के बाद निदाया यासिर उधर ही बैठी हुई होती थी, क्या कर रहे हो, फोन पे क्यों लगे हुए हो, ट्यूशन क्यों नहीं गए, फलाना क्यों नहीं किया, सो वो सो क्यों नहीं रहे हो, 10 बजे बस हो गया है। सो वो मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा देखा है, अब वो मुझे नहीं दिखते, वो कमरों से नहीं निकलते। पता नहीं क्यों हो गया हमारे बच्चों को कमरों से इतने कोई। वो एक टाइम होता है, वो बेशक हमारे पास उस वक्त उस तरह टैबलेट्स नहीं थी या फोन नहीं थे, बट एक एज होती है जिसमें एक अलोन टाइम चाहिए होता है। में बैठते थे, हाँ ये बात है, खाने का दस्तरखान टेबल लगे, हम बैठते थे, हम जाते थे, मैंने तो अभी खाया है, अभी खाया है, अलग अलग खाना खा रहे होते सब। हमने तो कभी ये नहीं सुना कि हमारे घर में मेहमान आया हो और अम्मा की एक आवाज आई और हम कमरे से ना निकले। लेकिन हम क्या जो भी हमें हमारे माँ बाप सिखाने में कामयाब हुए, क्या हम उतनी ही इंसाफी के साथ ट्रांसफर कर पा रहे हैं आजकल के बच्चों? मेरा नहीं ख्याल। मैं उस दिन अपनी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी मुझे लगता है कि माओ की जो क्वालिटी थी ना वो थोड़ी, हालांकि मैं खुद माँ हूँ, लेकिन मैंने जैसे अपनी अम्मी को देखा उनके पास इतनी चीज़, लेकिन उनकी पूरी जो सेंटर था वो हम थे। लेकिन अब मेरे पास मेरा ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है, वो भी, तो शायद कहीं कहीं डाइल्यूशन। और मेरे पास तुम भी हो तो मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी मैनेज करती थी हर चीज़, ऑफिस, घर, अचार भी डालती थी, पता नहीं क्या क्या वो करती थी जो शायद आम घरेलू खवातीन भी नहीं करती होंगी। सो वो उन जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन ठीक है उनका शायद 20-30% तो आता है ना जीन्स में। वो तो कहते हैं ना कि बेटी को देखना है तो माँ को देखो। सो बहुत कुछ ऐसा है जो उनसे सीखा और टाइम मैनेजमेंट भी उनसे सीखी। तो आपके पास अचार डालने का फार्मूला बन है? अचार डालना मुझे नहीं आता, उसका फार्मूला बन है, उसका फार्मूला नहीं है, बाकी और चीज़ों का है। मुझे समझ में नहीं आई बात, भाई हम यहाँ पले बढ़े हैं, हमें क्या पता विंबलडन क्या है या फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक क्या है, अगर नहीं भी पता बट उसको इतना डिस्कस ओवर डिस्कस ही क्या है? मुझे तो समझ में नहीं भाई, एक शख्स को अगर नहीं वो कैच कर पाया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप टीनेज बॉयज हैं, आपने एक चीज़ क्रिएट की है, आपको पता है जी फॉर्मूला वन रेसिंग क्या होती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में मेरी अम्मी और बहन को भी पता हो। चले मेरी वजह से अम्मी और बहन को पता तो चल गई ना, पता चल गई, ये बात तो सच है। बाकी सबकी अम्मी और बहन पूछ रही थी बेटा ये है क्या फॉर्मूला वन, हाँ, तो क्या डिस्कस हो गया, निदा ने डिस्कस हो गया। चले ये भी अच्छा, इसका पॉजिटिव पहलू है, सब चीजें थोड़ी आती है मुझे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब उसको पकड़ के निचोड़ के मरोड़ के वो बनाना जरूरी है। चले मेरी वजह से किसी का शोर मशहूर हो गया तो क्या है। अच्छा भाई कभी ऐसी सिचुएशन हुई, दोनों से सवाल है कि एक सेगमेंट दे दिया गया है और ऑर्डर आया कि भाई यही करना है और अंदर से दिल कुड़ रहा है नहीं हो रहा है नहीं करना है? बहुत हुआ है भाई, जितने ब्रांडेड सेगमेंट्स होते हैं बंदा कहता है दिल चाहता है कि मैं तो कुछ नहीं बोल रही। नहीं ब्रांडेड ब्रांडेड का समझ में आता है मैनू, मतलब नोट पे खा मेरा मूड बने, चलो ठीक हो गई, वो तो सही बात हो गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई सेगमेंट जिसको आप नहीं करना चाह रहे। सेगमेंट क्या, सेगमेंट या ऐसा कोई सवाल? ऐसे बहुत सारे शोज होते हैं कि जो पता था कि अच्छा
वो तो बोरिंग होंगे कंटेंट कैसे उसमें. सो जब करना ही था तो फिर यही सोचा कि उसको क्यों ना कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर बीच में या कोई ऐसी चीज डालकर थोड़ा सा चटखारेदार बना दिया जाए. उस पे क्लैप आए तो करें. कभी कभी बहुत गड़बड़े भी किए मैंने इस चक्कर में. एक आपकी है कि अगर 100% कंटेंट में आप 20% भी स्लाइड इन कम थोड़ा सा ऐसा हो जाए जिसमें कोई एक बेहतर मैसेज चला जाए बाकी सब चीजों के साथ, तो आपकी जॉब सकून मिल जाता है. ये वाले गेस्ट भी तो होते हैं, पूछे सवाल मुझसे. दिल को सकून. सवाल पूछे कोई? अच्छा ये आपसे पूछना चाहती थी मोहिब कि जब आपकी मूवी रिलीज हुई और उसके बाद ऑडियंस का जब आपको रिस्पॉन्स आया तो आपको जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ या नहीं? जी तो आप भी कुछ पूछना चाह रही थी. मैं ये बताना चाह रही हूँ जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे गेस्ट आए स्पेशली जो उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे वो सेलिब्रिटीज जिनकी नई नई शादी हुई है खवातीन उनके हस्बैंड आते थे वो इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं होते थे उनको नहीं आते थे जवाब देने. चले वो बात भी ठीक है. तो मैं तो कहती थी मैं तो बोल देती थी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे आप इतना सा क्यों बोल रहे हैं. इतना मैंने उनको थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड लगाया कि वो बेचारे बोल नहीं. इसने तो बड़ी ट्रेनिंग की है बहुत सारे लोगों की भाई. हाँ बहुत सारे लोगों की नहीं ऑडियंस की भी ट्रेनिंग हो गई. ब्रेक में भी मैं उनको बताती थी मैं कहती थी अगर आप बोलेंगे नहीं आपका शो कोई नहीं देखा चैनल चेंज हो जाएगा सुबह उठ के जो आप आए हैं फायदा क्या. सही बात. मैं तो रोज आती हूँ आप इतने तैयार होके अभी आए हैं बोलेंगे नहीं तो कौन देखेगा शो. सही बात. मुझे ब्रेक में उनको थोड़ा सा ये समझाना पड़ता था. तुम कैसे डील करती थी? जी जी हाँ हाँ जी जी ओके. ये वाला आप उसके बारे में बताएं. हाँ वो हुआ था. नहीं मैं फिर अपनी टीम से कहती थी क्योंकि ये बोल सकती है मेरी वो नेचर उस तरह की नहीं है तो मैं टीम से पूछती थी जब वो आती थी सामने लड़कियां खड़ी होती थी मैं उसको मुंह देख इसको बोलो बोले इसको बोलो कुछ बोले. और कुछ गेस्ट ऐसे होते थे कि वो सिर्फ ब्रेक के दौरान बोलते थे. हाँ. जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उनकी बोलती बिल्कुल बंद हुई. ओह माय गॉड. क्या हो गया साइंसदान साहब? क्या हुआ? ये तो निदा, निदा यासिर, मोहिब, इनसे कह दो मैं इनसे बहुत नाराज हूँ. ये कह रहे हैं ये आपसे नाराज है. मैंने क्या किया? क्या है क्या भाई उन्होंने? ये कब से मेरा किराया नहीं दे रही अपने. ये क्या किराया नहीं दे रही? हाँ किराया घर है माशाल्लाह. क्या हो गया भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई. भाई होगा इनका घर लेकिन रहती तो ये हमारे दिलों में है ना. रहती तो हमारे दिलों में है ना. रहती है हमारे दिलों में. अच्छा ओए ओए तौबा. मैं तो सिर्फ यासिर के दिल में रहती हूँ. आप 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 कभी मिले यासिर नवाज साहब से? आप मुझे कैसे छेड़ रहे हैं? हाँ या आप ऐसे छेड़ेंगे ना जितने बचे ना ये भी नहीं रहेंगे. आप ही जानते बलोच है क्या मियां. ये तो वही शख्स है मैं इससे भी नाराज हूँ. डबल सोल वाली जूती के साथ आएंगे वो. इनके पीछे पीछे वो भी आए थे घर में रहने के लिए मेरे. ओह फिर क्या हुआ? मैंने कहा रह लो मेरा बड़ा दिल है बहुत बड़ा. मैंने रहने दिया उनको वहाँ पर. फिर क्या हुआ? उनके बाद मैंने निकाल दिया उनको वहाँ से. अच्छा हाँ। वो पीछे पीछे दानिश नवाज को भी लेके आया अपने साथ. चलो ट्रायल पूरा हो गया. बेटा तुम्हारा दिल है ये बड़ा वाला ट्रक है क्या है? बस यही चीज पूरी फैमिली की मुझे बहुत बुरी लगती है. के? क्या? ये बुरी लगने की बात है तो अच्छी लगने की बात है. मतलब कि ये दिनों में घर कर लेते हैं ये सबके. ये तो अच्छी बात है भाई. मतलब पैसे नहीं देते ना लेकिन. अच्छा, पैसे किराया नहीं देते किराया ना? चाहिए. आप उधार मांगने आए क्या? बहाने कर रहे हो उधार मांगने के? मुझे यही लग रहा है. जी मैं अच्छी तरह समझ गई. मैं इंजेक्शन लगवा दूंगा एक साल तक के लिए बेहोश हो जाऊंगा. इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं हम मोहिब. हाँ. मेरे पास इनके लिए एक ऑफर है. कैसी ऑफर है भाई? मेरे लैब में असिस्टेंट की जॉब है मैं इनको ऑफर करना चाहता हूँ. कारसाज की चुड़ैल पागल तो नहीं हो गया? इनके अपने क्लिनिक है भाई क्या हो गया? तो इनके पास कोई जॉब है मेरे लिए असिस्टेंट की? आपके पास कोई जॉब है साइंसदान टाइप? मैं चीचू की मलिया में क्लिनिक खोल रही हूँ आप चलेंगे? आप बस एक इशारा करें आप जहन्नम बोलेंगे मैं वहां पे चले जाऊंगा. यही बुक कर. बुकिंग डन. यही बुक कर. शाइस्ता की जहन्नम ब्रांच के मैनेजर करता थकता डॉक्टर साइंटिस्ट. शाबाश निकलो बहुत दूर है जहन्नम पहुंचने में देर लग जाएगी निकल लो. मुझे नहीं जाना नवाब साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं. जब मैं तुम्हें कटने का तरीका बताऊं तो पहुंच तुम. नवाब साहब को मैंने एक फॉर्म अपना फॉर्मूला बनाया था. अच्छा. अपने उस्ताद से सीखकर. अच्छा क्या फॉर्मूला था?
उस्ताद कौन है पहले तो बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। निकल निकल भाई, नवाब से बच के निकल जाओ। अच्छा भाई मुझे बताएं कि आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बिल्कुल रीसेंट में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है अबाउट यू नो सर्जरी और फेस चेंज हो गया, और ये हम इसको किस तरह बैलेंस कर रहे हैं और इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे साइकोलॉजी पे क्या ऐसा फ़र्क पड़ रहा है ख़वातीन की खास तौर पे। अगर कोई वेट लूज़ करता है तो ऑब्वियसली उसका फेशियल फैट भी लूज़ होता है। ओके उससे उसके फीचर्स थोड़े से चेंज लगते हैं। इट डजंट मीन दैट शी इज़ गॉन थ्रू अंडर नाइफ और व्हाटएवर। और अगर किसी ने कुछ नॉन सर्जिकल थोड़ी बहुत कोई चीज़ कराई है और तो उसको इतनी ट्रोलिंग के यूं चेंज हो गया। और फिर हम फिर अगेन मुहिब कि हम एक सेंटेंस लिखते हुए शायद भूल जाते हैं कि वो एक जुमला किसी को हमारी कितनी तकलीफ दे सकता है। अज़ियत पहुंचाने में तो माहिर हो। लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरा सवाल करने का मकसद इस एंगल से है कि क्या हमें बहुत ज़्यादा कमी फील होने लगी है अपनी जो जिस तरह अपने फीचर्स के साथ हम पैदा हुए या एज के साथ। तो अगर आपको ये कराना भी है चीज़ें तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नेसेसरीली बुरी चीज़ है जी, दिस इज़ योर चॉइस। आपको जिस तरह भी दिखना चाहती हैं या चाहते हैं जिस तरह भी आपकी चॉइस है, लेकिन इसका ऑब्सेशन एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको मिसाल के तौर पर, हमारे माशरे में ये हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन जिन हजरात को या दोस्तों को दूर के मैं जानता हूँ जिन्होंने एक आध दफ़ा टैटू कराया, देन इट बिकम्स अ हैबिट और एक और चाहिए होता है। तो क्या इस साइकोलॉजी इससे कनेक्ट होती है कि आप फिर सेटिस्फाई नहीं होते, फिर नाउ यू वांट टू चेंज एंड फिक्स एंड परफेक्ट एवरीथिंग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिपेंड करता है। देखें हर चीज़ में, जैसे आपने कहा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने टैटू करवाया लेकिन एक करवाया बस वही था, और बल्कि उन्होंने कहा कि करवाने के बाद अच्छा नहीं यार मैं इसको भी अब चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। तो ये आपको बार खुद फिक्स करना होता है कि अगर फ़र्ज करें अभी हम बात कर रहे थे स्टेज के पीछे कि आपका आप पे बहुत सूट कर रही है ये दाढ़ी तो आपको अच्छी लग रही है, तो वो चेंज आप यू वांट टू कीप दैट चेंज है ना। एक साल डेढ़ साल फिर आप बोर होंगे कोई और कैरेक्टर करेंगे तो आप शायद अप्रिसिएशन के लिए ही होता है बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है, आपको एक बार तो रखना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता उसको है इस तरह से ट्रोल करना, शुरलियां छोड़ने के जो माहिर हो गए ना हम ऐसी फारिग टाइम बहुत है, टाइम ही बहुत है टाइम। नेता जब आप आपके करियर का आगाज हो रहा था आप एक्टिंग की तरफ फोकस थी या सोचा था कि होस्ट? नहीं मैं मजबूरी में होस्टिंग में आई थी। ओके एक्टिंग कर रही थी, काम बहुत कर रही थी, शादी हो गई, शादी के बाद भी एक्टिंग करने की कोशिश की लेकिन मैनेज नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे फौरन हो गए। सो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं रख पा रही थी। जब मैं शूटिंग पे जाती थी तो मुझे बच्चे याद आते थे, वो भी रो रहे होते थे, मैं भी रो रही होती थी। बहुत मुश्किल है। फिर बच्चों को साथ लेके जाना शूटिंग पे बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ से नहीं ये क्या कि भाई ऐसा करो या तो सिंगल प्ले कर लो, उस वक्त होस्टिंग का नहीं सोचा था। कुछ सिंगल प्लेस कर लिया करो, कभी कभार होती थी। बच्चे दो एक साथ हो गए थे मतलब लाइक एक एक दो दो साल के गैप के और छोटे छोटे से थे और मुझे आता भी नहीं था बच्चों को पालते कैसे। सो फिर उस वक्त मजबूरी के तौर पे मैं होस्टिंग में आई और फिर अल्लाह ने यहाँ हाथ पकड़ लिया। मतलब नसीब होता है आपको किस वक्त जिंदगी कहाँ लेके चली जाती है आपको नहीं पता। पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं। तो हमारी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है हमारी खूबसूरत ख़वातीन होस्ट, हमारी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस और हमारी शोबिज़ पर्सनालिटीज़ शाइस्ता लोधी और निदा यासर से हमें यहाँ लेना एक छोटा सा ब्रेक। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। दावतों में जाने को दिल नहीं जाता कि हाय हाय सुबह रोज तैयार हो रही हूँ फिर रात को तैयार हूँ यार, इतनी हसीन होनी इसकी तरह के मेकअप के बगैर। तो जब एक दफा आप शो में अपनी बेटी की दोस्त के कपड़े पहनकर आ गई थी और ये लाभ को याद है? अब जिस तरह के मॉर्निंग शोज हैं उसमें मुझे लगता है कि निदा एक्सेल करती है देन नादिया, अदरवाइज नादिया बहुत एक्सटेम्पोर है, उनसे ज्यादा अच्छा मॉर्निंग शो। टीआरपी मिलती है ना तो दिल चाहता है कॉन्टेंट बनाने का, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। अरे भाइयों इतनी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जरा तालियां बजा दें हमारे बैंड के लिए। कमाल आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल पे दी नॉक नॉक शो और मैं हूं शाइस्ता और मेरे साथ हैं निदा यासर और हम आए हुए हैं मोहिब मिर्जा के पास द नॉक नॉक शो पे। क्या बात है,
क्या बात है भाई, ये तो मतलब रात में सूरज निकल आया, दिन हो गया, मेरी क्या मजाल में वेलकम बैक करता जो वेलकम बैक किया गया है। वी आर सेलिब्रेटिंग द क्वींस ऑफ टेलीविजन निदा यासर एंड शाइस्ता लोधी टुडे। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। और अब जिस तरह आप लोग पहले कभी किसी शो में साथ नहीं गई हैं, एक सेगमेंट हम आपके साथ खेलेंगे जो दुनिया में कभी पहले नहीं हुआ। रैपिड फायर। इसमें क्या होता है प्लीज बताएं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है हमें। देखिए बहुत मुश्किल ये टास्क हो जाती है, बहुत इंतहाई स्लो मोशन, आहिस्ता आहिस्ता मैं सवाल पूछूंगा और इंतहाई खींच के ड्रैग करके आपने आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना। तो हमें ये बताएं कि इसमें कुछ मिलने भी वाला है या नहीं, या ऐसे ही है? वो जब मैं आपके शो में आता तब मिलता भी यहाँ। अच्छा भाई, हम सिर्फ चाय पे टलखा रहे हैं आजकल। अच्छा जी, मॉर्निंग शो या लेट नाइट शो? मॉर्निंग शो। टीआरपी या गुड कॉन्टेंट? दोनों। टीआरपी मिलती है ना तो दिल चाहता है कंटेंट बनाने का, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप और फॉर्मूला वन। हाँ, फॉर्मूला वन ऑलवेज। नहीं समझ आता। अच्छा जी, जो मैं जिन शख्सियात के नाम ले रहा हूँ उनको आप 1, 2, 3, 4 में प्लेस कीजिए अपनी पसंदीदगी के हिसाब से। सनम जंग, शाइस्ता लोधी, जुगन काजिम, नादिया खान। देखिए ऐसा भी होता है ना कि आपकी जो दो दोस्त होती हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कोई चीज आपको किसी की अच्छी लगती है, कोई चीज आपको किसी की अच्छी लगती है, तो आप कैसे कंपेयर? भाई ये रैपिड फायर है निदा, नहीं तो मैं अब मुझे फंसा दिया ना। अपना टाइम याद आया आपको? अच्छा अच्छा, सनम जंग, शाइस्ता लोधी, जुगन काजिम, नादिया खान। होस्ट प्लेस करना है और भाई आप अपनी पसंदगी जैसे। नादिया खान, शाइस्ता लोधी, सनम जंग एंड जुगन। वाह, तालियां भी हो जाए भाई, ये रैप है। अच्छा जी, 2040 में आप क्या कर रही होंगी? मैं अपने पोते पोतियां और नवासे नवासियों के साथ खेल रही होंगी। वाह, एक्सेलेंट आंसर। कोई भी ऐसी एपिसोड जो आप चाहती हो कि बस वो मेरे मॉर्निंग शो की डिलीट हो जाए? कोई एक नहीं है, बहुत सारी है। बहुत सारी है। एक हमें जिसमें मतलब लाइक मुझे कुछ माफियां भी मांगनी पड़ी, कुछ ऐसी बातें भी करनी पड़ी जो गलती से हो गई। चले ठीक, मैं चाहती हूँ मैं डिलीट हो जाए, सोशल मीडिया से डिलीट हो जाए, मेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए। आप अपने फैमिली के साथ जब चिल करती हैं तो नेटफ्लिक्स या फैमिली को टाइम देना प्रेफर करती हूं? मैं नेटफ्लिक्स अकेले देखना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे मजा नहीं आता किसी और के साथ देखने में। और मैं फैमिली के साथ खाना खाना पसंद करती हूँ। हमने बड़ा जो है ना वो रोमांटिक सा छोटे छोटे से कॉर्नर्स बनाए हुए हैं घर पे, तो मुझे वहाँ अच्छा लगता है। सब एक साथ बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, हमें बातें करना अच्छा लगता है एक साथ। हाँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर एक चेंज लाना हो तो क्या लाएंगी? बाकी शायद आई डोंट नो, हमारे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ये होता है कि बस बेटी हुई तो बेटी की शादी कर दो। मैं कहती हूँ कि अब ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, पहले बेटी को उसके पैरों पर खड़ा करो और फिर उसकी शादी करो, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है वो सारे घर कुनबे को पाले। हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करने का मतलब ये है कि वो अपने बैंक अकाउंट और अपनी आमदनी के एतबार से खुद कफील हो। Exactly. एक दिन सुना दीजिए जल्दी से दो लफ्जों के अंदर कि आपका ऑन स्क्रीन डे एंड ऑफ स्क्रीन डे। ऑफ स्क्रीन डे ना ऐसा गुजरता है जैसे सोती जाऊं बस, सुस्ती, कपड़े भी ऐसे पहने, एक रंग की शलवार, दूसरे रंग की कमीज, तीसरे रंग का दुपट्टा। लेकिन जब ऑफ स्क्रीन है तो वो एनर्जी आती ना सुबह सुबह, जो तैयार मेकअप, ये वो, घर काम फलाना ढमाका, छुट्टी वाले दिन मुझे कोई काम नहीं करना। तो इतना तैयार हो कि आदमी एक दिन कहता है खुदा का वास्ता, मेरा दावतों में जाने को दिल नहीं चाहता कि हाय हाय सुबह रोज तैयार हो रही हूँ फिर रात को तैयार हूँ, यार इतनी हसीन होनी इसकी तरह के मेकअप के बगैर। तो जब एक दफा आप शो में अपनी बेटी की दोस्त के कपड़े पहनकर आ गई थी, आपको याद है? तो वो कौन सा वाला दिन था? वो ऑफ स्क्रीन को ऑन स्क्रीन बनाया था भाई। मेरा एक वार्डरोब टाइप चीज, कोई हैंगर्स है वो बने हुए ताकि मेरी मेट्स को पता हो ये डिज़ाइनर के कपड़े हैं। उन्होंने गलती से मेरी बेटी के दोस्त होते हैं ना आपस में दोस्ते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन के आ जाती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं। मतलब कहने का मकसद, मैं इतनी पतली हो गई थी उस जमाने में। तो सारा जोर आया वेट लॉस पे। देखिए ना, तभी तो मैंने शो मार के बताया था कि वो दुबली पतली लड़की, टीनेजर लड़की के कपड़े मैंने पहन लिए। मैं समझी किसी डिज़ाइनर के कपड़े हैं, मैं पहन के चली गई। और उसके बाद टीवी पे देखा गया तो मेरी बेटी ढूंढ रही थी अपनी दोस्त के कपड़े किधर चले गए। भाई दोनों लड़कियां हैं, दोनों टीनेजर हैं, इस बात में कोई शक है? कोई शक है? तालियां बजी नहीं?
दिल से तालियां बजी नहीं है। दोनों टीनेजर हैं, दोनों लड़कियां हैं, इस बात में कोई शक है? बजवा दी जी। अब आपकी बारी जी। रेगुलर टीवी कंटेंट लाइक ड्रामा, मॉर्निंग शोज और यूट्यूब चैनल? मॉर्निंग शो ओके। बेस्ट स्किन केयर एडवाइस यू रिसीव फ्रॉम समवन एल्स? यार आप इस्तेमाल क्या करती हैं वो बता दें हमें, स्किन केयर एडवाइस। बट मुझे जो दूसरे लोग कहते हैं कि आप शायद मॉइस्चराइजर बहुत इस्तेमाल करती हैं, यस मैं बहुत हाइड्रेशन यूज़ करती हूँ। ये तो वो सवाल नहीं, आपको आपकी एक्सपर्टीज के अलावा किसी ने बहुत मुफीद मशवरा दिया हो कि ओ आप भी सही कह रहे हैं, मुंह नहीं धोया करो क्या डॉक्टर? तो इसका मतलब वो जो आदमी कहते हैं शेरों ने भी कभी मुंह धोया, इसका मतलब इसके एक लॉजिक है पीछे। तो वो आपके स्किन पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ग्लैंड्स और हाइड्रेशन जो अंदर से आती है, वो उससे ज्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। मैंने मान लिया, लेकिन ये मुफीद मशवरा नहीं है मर्दों के लिए। पहले मैंने सुना बाल भी नहीं रोजाना धोने होते। मुझे पता है ये गोरी चिट्टी है, हम दोनों को तो सुबह मुंह धोना पड़ेगा तभी अच्छे लगेंगे। मेरा तो मुंह नहीं चमकता जब तक फेस वॉश ना लगाऊं। मेरा तो रैपिड फायर जो है ना वो सारा रुक गया इस बात पे कि मुंह ही नहीं धोना औरत। मैंने कहा है भाई ना ही धोएं, कोशिश करें कि मतलब सुबह में ना धोएं, चलें बाद में धो लें। चल एक दफा सोने, जब सोने जाने लगे उस वक्त धोएं बस। अच्छा, और सबसे वाहियात मशवरा स्किन के हवाले से किसी ने आपको दिया हो? मॉइस्चराइजर ना लगाएं। वाहियात है मशवरा ये, किसने कहा ये? बिल्कुल गलत मशवरा है, लगाएं। जो ऑयली स्किन के लोग हैं वो भी लगाएं। रेट द फॉलोइंग मॉर्निंग शोज अपनी प्रेफरेंस में, नादिया खान, निदा यासर, जुगन काजिम, सनम जान। निदा यासर, नादिया खान, सनम और जुगन। खूबसूरती से फट्टे से निकलते हुए यूं शाइस्ता और ग्राउंड के बाहर छह। मुझे लगता है कि जवाब चेंज करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल मैं अपना कोई जवाब नहीं। अब जिस तरह के मॉर्निंग शोज हैं उसमें मुझे लगता है कि निदा एक्सेल करती है, देन नादिया, अदरवाइज नादिया बहुत एक्सटेम्पोर है, उनसे ज़्यादा अच्छा मॉर्निंग शो नहीं। लेकिन आजकल जो देखा जाता है उसमें मैं कह, मुझे लगता है कि नादिया और शाइस्ता से अच्छा कोई नहीं होस्ट कर सकता। मतलब आप लोग आप सीरियसली, मैं बैठा हूं, मैं यहां सबके सामने बोल रही हूं क्योंकि इनकी अपनी क्वालिटीज है। यू नो एब्सोल्युटली, ये तो मैं तो आपको पता है, ये लोग बिजी हो गए हैं इसलिए मैंने जगह संभाल ली है, वरना और आपको कितने मजे आ रहे हैं ना, मैं उस कुर्सी में हूं आज। जी जी, मुझे लग पता गया है, मुझे लग पता गया। अच्छा जी, ये बताइए कि आपका कोई अनअचीव्ड गोल अब तक का? हां, मास्टर्स नहीं किया अब तक। ओह, वही पढ़ाई वाली बात। पढ़ाई, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। मुझे लगता है एक आध कोई अच्छा ड्रामा भी करना है, अगर मुझे एक्टिंग वेक्टिंग आ गई तो एक आध। नहीं, ऐसे नहीं कहें आप जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, क्या हो गया? मैंने देखा है शाइस्ता ने वक्त के साथ बहुत और इम्प्रूव किया है एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि उसने एक्टिंग नहीं की थी ना, होस्ट करती थी। ऑफिशियली रैपिड फायर खत्म हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, कभी कोई मरीज आपके पास आया है, उन्हें कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है, आपसे मिलने आया? बहुत दफा आप यकीन अपॉइंटमेंट लेके मिलने, अपॉइंटमेंट लेके और फिर मैं फीस वापस करती हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा, वो आती हैं और वो आते भी हैं और आती भी हैं, तो ऐसे ही कहते हैं उन्हें आप। भाई तो अच्छा है कि भाई फीस भी मिलने की। नहीं, अच्छा नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, तो वो मैं और ऐसा हो सकता है कि आप भाई मैंने कितनी दफा समझाया है, मेरे मुंह बोले चाचे तमीज से आहिस्ता आया करो। भतीजे वो साइंसदान को ढूंढो, उसको ढूंढो, वो कहाँ पर है। तो उसमें मुंह छुपाने की क्या बात है भाई? भतीजे आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुआ क्या है? देखो, हम उसके पास गए और हमने उसको कहा, मियाँ साइंसदान हमें ना तुम महविश हयात बना दो। है? अच्छा। उसने कुछ ऐसा घटिया तजुर्बा किया हम पर कि हम वाह हयात बन गए। हाँ, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शक्ल में पहुंच गए, माशाल्लाह। हाँ, तुम मजाक कर लो। और क्या करूं मैं आपका, मुंह छुपा के खड़े में आप घूंघट में से देख रहा हूँ। कपड़ा तो हटा ले भाई, फेस पहले तुम किसी डॉक्टर को बुलाओ। बेटा फेसिंग लो, डॉक्टर है हमारे पास, हटाओगे तो कर रहे हैं, म्यूजिक दीजिए। रिवील हो रहा है। माशाल्लाह, बिल्कुल सामरी जादूगर की बेवा टाइप लग रहे हैं आप। मेरा ख्याल से छुपाए लो, वही ठीक है। क्या करवा के आए हैं? मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा भी रहे। भतीजे, हाँ, हमको लगता है अब हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। क्यों भाई?
क्योंकि हमको हर तरफ सफेद सफेद परियां दिखाई दे रही हैं। जी जी जी, आंखों का शटर खोल के देखिए। शाइस्ता लोदी, भतीजे, आम तौर पर ना इनको देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन हमारे दिल की धड़कन शाइस्ता शाइस्ता हो गई। शाइस्ता जी, जी सलाम कबूल कीजिए, हमें आज भी आपका वो वादा याद है। कौन सा वादा भाई? अरे एक तो तुम हर बात के बीच में कूद पड़ते हो। मेरे शो के बीच में कूद सकते हो, मैं तुम्हारी बात के बीच में नहीं कूद सकता? अरे वादा इनका ड्रामा था। एक सेकंड, ओके काम की बात फटाफट। हमने एक दिन इन्हें परदेश में देखा। बाहर कहाँ गए हम? अरे एक तो हर किसी को तुमने अपने जैसा समझा हुआ है, माइंड नहीं कीजिएगा, बच्चे ने दुनिया नहीं देखी, बिना तो इसको पता नहीं है। चाचा को देख के पता चल रहा है ना, खानदान पता चल जाता है। बिल्कुल, परदेश इनके ड्रामे का नाम था। आए, 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 क्या ड्रामा था, लेकिन उसके अंदर एक ट्रेजेडी हो गई। वो क्या थी? इनके हस्बैंड को छोड़कर परदेश चले जाते। ओके। हमने उनको इतना रोका, हम पीछे पीछे तक गए, हमने कहा मत जाओ, तुम मत जाओ। हम उनके जहाज तक गए, जहाज के बाहर खड़े रह के आवाजें लगाई। बेटा एक तो इतनी लंबी फेंक रहे थे, ऊपर से ऑडियो भी गए, म्यूट हो गए। अरे नहीं, वो जहाज के अंदर बैठे थे ना, उनको हमारी आवाज नहीं जा रही थी। लेकिन भतीजे, लेकिन जी, हम अगर इनके हस्बैंड होते ना, मैं तैयार हूँ उनको कॉल मिलाने के लिए। हम कभी ना छोड़ के जाते। इनकी आंखों में आंसू हमसे ना देखे जाते। ओफ, ओफ, मिलाओ मिलाओ, किसको कॉल मिला रहे हो? हम किसी से डरते वरते तो नहीं है। कमाई प्यारी बहन शाइस्ता, कमाई बाजी शाइस्ता की एक्टिंग, काटो काटो काट दिया। हम अगर इनके हस्बैंड होते ना, अगर तुम्हारा साउथ अफ्रीका का नंबर इतना दूर नहीं मिला। जी जी, फौरन मिलेगा, हम फोन में से ही हाथ आएगा। पहले तमीज से आप हमारी दूसरी गेस्ट का इस्तकबाल करें, सलाम करें, उसके बाद आगे बात होगी। तमीज सीखो। यासिर नवाज आए हैं। निदा यासिर है। अरे हमको मालूम है वो निदा यासिर है, लेकिन एक दफा हमने उनकी बहुत तारीफ कर दी थी, पूरे नवाज खानदान ने हमको मिलकर इतना मारा था। बहुत अच्छा किया। हम तुमको क्या बताएं, हमारी कहां कहां से नादानियां निकली हैं। तो ये तो आप चाह रहे हैं रिपीट ट्रांसमिशन पे नादानियां फिर निकले। हम यासिर नवाज कह के तारीफें कर देते हैं ना, वो ताकि कोई मारे ही ना हमें। खेल ले, सेफ खेल ले तू, शाबाश। देखो भाई भतीजे, दोनों महारानियां आई हैं, लगे हाथों हमारी शादी की बात कर लो। अगर ये शो ये कर रहे हैं आजकल तुम्हारे वाले बूट, काबोए बूट, खुस्से, खेड़ियां, सब जूते जमा हो गए हैं आपकी कुटास के लिए। गलत मत समझो भतीजे। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो समझ लो, गलत भी समझ लो, लेकिन देखो हम तुमको बताते हैं। बताएं। इनका वैसे तो यूँ दिखाने के लिए मॉर्निंग शो है, लेकिन असल बिजनेस इनका शादियां करवाने का है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रजामंदी जाहिर कर दें कि हमारा हुलिया ठीक कर देंगी, और आप रजामंदी जाहिर कर दें कि हमारी मॉर्निंग शो में शादी करा देंगी, तो हम जाके दुल्हन ढूंढाते हैं, शादी की तैयारी कराते हैं, मान जाइए ना। चाचा जान, खुदा का खौफ करें, भतीजे की कराएं, आप कहाँ इस उम्र में अब? बिल्कुल भतीजे की, ये अभी जो फ्रेश फ्रेश करवाई है हमने, माशाल्लाह बहुत ठीक चल रही है। ये जो टांगे है ना, ये मैं या तो काट दूंगा या जो कबर में लटक रही है कबर में गाड़ दूंगा। देखो भतीजे, निकलस के शादी की तैयारी की, क्यूट होगे तो एक्सीडेंट बनेगा। हाँ सही है, कर ले फिर तैयारी शादी की। देखती हूँ मैं, नहीं नहीं, मैंने शादियां करवाना खत्म कर दिए मॉर्निंग शो पे। कोई ऐसे ऐसे वाले लोग आने लगे थे रिश्ते लेकर, तो मैंने कहा भाई खत्म ही करो, शादियां वादियां हम नहीं कराते, से शुरू करा लेंगे ना। लेकिन हम तैयारी करके आते हैं भतीजे। हाँ भाई, वो शादी का कुछ म्यूजिक दीजिए तो हम जरा जाएं पे दूल्हा बन के।
शौक है भाई आपके चचा को शादी करने का? बड़ी माजरा चाहता हूँ चचा के लिए। चचा का भी दिल होता है। चलें चचा के लिए। आप अगर शो में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप मुझसे सवाल ना पूछें? मैं आप दूसरी फिल्म कब बना रहे हैं? मैं दूसरी फिल्म कब बना रहा हूँ? जब आप उसमें एक्टिंग करने के लिए हाँ कर देंगी। मैं तो चटपटा सवाल पूछूं। जी पूछिए। आप सनम से कैसे मिले? मैं सनम से कैसे मिला? मैं सनम से, मैं और इसको चटपटा कर देता हूँ। मैं सनम से कब रोमांटिक हुआ ये बता देता हूँ। ये हाँ, एक ड्रामा में कर रहा था, दीदन नाम था। अच्छा, तो वहाँ पहले हिल एरियाज में शूटिंग। जी जी, वहाँ इजारे ख्याल हो ही गया। मतलब कि हर तरफ रोमांटिक माहौल, मौसम भी अच्छा है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और लड़की भी है, लड़का बिल्कुल सामने नजर आ रही है, उन्हें देखने नहीं पड़ता। हाइट माशाल्लाह, मैंने कहा तो बिल्कुल साफ दिख रही है। तो वहाँ मेरा इजारे ख्याल हुआ। उन्होंने आपको संभाला, आपने उनको संभाला। आप समझ में आया क्यों चल रहा है मॉर्निंग शो अब तक? अब समझ में आया? आपने खुद ही मौका दिया है। मौका दे दिया क्या? मैं बे इंतहा खुश हूँ कि आप लोग मेरे शो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। जो कुछ आप लोगों ने अब तक अचीव किया है और जहाँ तक आपका ये सफर आपको लेकर आया है, मैं बे इंतहा कदर करता हूँ आपकी। मैं आप दोनों को सेलिब्रेट करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, उन सबका प्राइड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही ज़बरदस्त हमें शुक्रिया अदा करना है निदा का और शाइस्ता का, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टेलीविजन में। हम भी आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं। आपका शो है द नॉक नॉक शो। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे और बहुत हिट, सुपर हिट शो आपका जाए। आमीन। लेकिन हमारी बड़ी स्क्रीन को भी आपकी जरूरत है, सो मूवी जरूर बनाएं। मूवी बनेगी, वेब सीरीज भी बनेगी इंशाल्लाह। वो जो मेरा आल्सो जुड़ गया ना मेरे साथ, आल्सो एन एक्टर, आल्सो अ होस्ट, आल्सो आल्सो, तो वो डायरेक्शन होगी और आप लोगों से बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स करवाने वाला हूं। ओए होए, डन डन डन। और मैं प्रोड्यूस भी आप ही से करवाने वाला हूँ। ये भी चले डन। प्रोग्राम खत्म कर रहे थे शायद। नहीं, इसने बहुत प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने नहीं किया, सो आई वांट टू रियली प्रोड्यूस समथिंग। अच्छा भाई, आज का शो यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। नॉक 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 नॉक, are you ready? The Knock Knock Show. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्स स्टाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ।